सुशांत की सीबीआई जांच से जुड़ी एक खबर आ रही है। इस टीम में एक और को शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है, और कौन है वो अगर मैं आपको उसका नाम बताऊंगी तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, कौन है वो, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। विनय तिवारी को क्या सीबीआई की टीम में शामिल किया जा सकता है? जी हाँ, ये खबर आ रही है कि शायद विनय तिवारी को सीबीआई टीम में शामिल किया जा सकता है, उस टीम में जो मुंबई आ रही है जांच के लिए। हालांकि उनको डेप्यूटेशन पर उसमें शामिल किया जाएगा, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होता है, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर आज ये खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि विनय तिवारी उस सीबीआई टीम का हिस्सा बनेंगे जिसमें गगनदीप गंभीर, अनिल यादव और नुपुर हैं, और अब उसमें विनय तिवारी को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि इस खबर को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैंस कह रहे हैं। एक ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम सोर्स, आईपीएस विनय तिवारी हु वाज क्वारंटीन सम डेज अगो हैज बीन ट्रांसफर टू सीबीआई ऑन डेप्यूटेशन। एक ने लिखा, हाँ ये मैंने भी सुना, आईपीएस तिवारी तो अब खुश, ब्रेवो, टू गुड न्यूज, नाउ विनय तिवारी कैन क्वारंटीन द होल लॉट ऑफ मुंबई पुलिस, डोंट गेट सो मच हैप्पी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज फॉलन टू लो येस्टरडे, मेयर मुंबई सेड सीबीआई हैज टू टेक अप्रूवल बिफोर एंटरिंग मुंबई। तो कई लोगों ने जो है इस बात को शेयर किया है कि विनय तिवारी जो है मुंबई आ रहे हैं सीबीआई टीम का हिस्सा बनकर। हमें, मुझे लगता है कि आधिकारिक पुष्टि का थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि वाकई में ये एक बहुत ही अच्छी खबर होगी। वो विनय तिवारी जो यहाँ आकर अपनी जांच नहीं कर पाए, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, वो विनय तिवारी जिनको सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पर छोड़ा गया कि अब आप वापस पटना जाएंगे, मुंबई में कोई जांच नहीं करेंगे, अगर वो सीबीआई टीम का हिस्सा बनकर आते हैं तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या आप चाहते हैं विनय तिवारी आए सीबीआई टीम का हिस्सा बनकर, कमेंट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।